संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जारी की गई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2030 तक भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रखंड के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा विश्व जनसंख्या संभावना 2022 नाम की एक रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक जनसंख्या 15 नवंबर 2022 तक 8 अरब के आंकड़े पर पहुंच जाएगी। दरअसल सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने खबर दी है कि नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब तक पहुंच जाएगी। 1950 के बाद से वैश्विक जनसंख्या सबसे धीमी गति से बढ़ रही है। 2020 में जनसंख्या वृद्धि दर 1% से कम हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के ताज़ा अनुमान के अनुसार दुनिया की जनसंख्या साल 2030 में 8.5 अरब, साल 2050 में 9.7 अरब, साल 2080 में 10.4 अरब हो जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि रिपोर्ट्स क्या कहती हैं। 2022 में भारत की आबादी 1.412 अरब है, चीन की आबादी 1.426 अरब है। वहीं भारत 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को पछाड़ देगा और उसकी आबादी अनुमान के मुताबिक 2050 में 1.668 अरब होगी, जो सदी के मध्य तक चीन की अनुमानित 1.317 अरब आबादी से बहुत आगे है।